बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे, क्या मांगा है? बीडीपीओ कार्यालय के लगातार कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। हमने 24/5/2022 को हमने एक डिमांड दी थी, जिसके संदर्भ में एबीपीओ ने काम नहीं दिया। उससे पहले भी हमने सीओ को एक शिकायत दी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी साहब को भी हमने 13/6/2022 को हमने एक डिमांड दी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब मैं 20 तारीख को मैंने बीडीपीओ कार्यालय में एक अप्लीकेशन दी, उसमें भत्ता मांगने बारे, तो 21 तारीख ने एबीपीओ ने मिस्टॉल निकाल ले, कुछ आदमियों को निकाल के उसके बाद मिस्टॉल नहीं निकाले। और जब मैं इधर आया दफ्तर में, तो मेरे ऊपर उन्होंने मतलब प्रेशर बनाना शुरू किया। उसके तुरंत बाद बाहर बुला के बस स्टैंड पे कि आप गणे लीडर बन रहे हो, तो उन्होंने मेरे ऊपर 5-6 लोगों पर हमला करवाया। गाड़ी आई, उसमें से उतरे एकदम मेरे ऊपर पड़े टूट के। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से जान बचा के निकला। वहाँ भाई जी आए, वो मेरे को ले गए, और मैंने 112 पे कॉल करना चाहा, तो वो बिजी था नंबर। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो के साहब के बात की, मैंने डीसी ऑफिस में बात की, सीओ साहब ने नंबर नहीं उठाया। इससे पहले भी कई बार मेरे पास साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हरीश और एबीपीओ मिलके साजिश रच रहे हैं कि रामविलास को कब से मरवाएं। तो कौन है ये, किसके द्वारा हमला करवाया गया? ये एबीपीओ सुरेश है जी, और एक हरीश है जी। हरीश ऑलरेडी आज है नहीं, मतलब है नहीं, उससे पहले हरीश भी थे, पहले भी एक बार मेरे साथ हथापाई हुई थी। तो कारण क्या था ये हमला करवाने का? कारण क्या है कि जो ये भ्रष्टाचार करते हैं, जो ये 2 नंबर का काम करते हैं, मिस्टॉल निकालते हैं अपनी मिली भगती से, तो उनका उजागर करते हैं हम। वो क्या आप ज़्यादा लीडर हो गए, हम जो इसमें जो घोटाले होते हैं उनको उजागर करते हैं, इसलिए मेरे ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें घोटाले हो रहे हैं? घोटाले तो चलते रहते हैं सर। इससे पहले भी हमने एक मांग की थी 2016 में, उसमें भी सर विजिलेंस ने जाँच की थी, चल रही है उसमें। तो उसमें क्या हुआ था जाँच? उसमें चली रही है सर, वो देखो अभी कब क्या होगा।